आज हम एक और MCQs को सॉल्व करेंगे जो नंबर सीरीज से रिलेटेड है और इसका नंबर है MCQs नंबर 4। गिवन है 99, 95, 86 एंड 70। कौन सा नंबर पिप नंबर कौन सा नंबर होगा, अभी हमने इसको फाइंड आउट करना है। और चूँकि MCQs है तो MCQs के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन गिवन हैं। तो ए में हमें कहा गया है कि क्या ये 35 होगा। अब ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, क्या ये 45 होगा, क्या ये 55 होगा, या डी में क्या ये 65 होगा। तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे कि इसका पिप नंबर कौन सा आएगा। तो इधर हम एक सिंपल लॉजिक लेंगे, हमने 100 से स्टार्ट करना होगा, उससे हमने नेचुरल नंबर मनफी करने होंगे यानी सब्ट्रैक्ट करने होंगे और उसका स्क्वायर यानी कि सिंपल नंबर, जैसे कि अगर हम कह दें क्योंकि इधर हमारे पास 4 हुआ है, इधर हमारे पास उससे भी बड़ा नंबर हुआ है, तो इसी तरह हमने करना होगा। 99 अगर हम ले लें तो हमारे पास बराबर है 1 स्क्वायर, ठीक है ना, इसको 1 स्क्वायर को हमने 100 से माइनस करना है। इसी तरह अगर हम 95 को लेंगे तो 100 को हम फिर नहीं लेंगे बल्कि हम इसी नंबर को हम लेंगे जो कि केवन था, वो होगा 99 माइनस, क्योंकि अगर हमने 95 ही लाना है तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर। इसी तरह हमने फिर 95 को लाना है और माइनस 3 स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा इधर 86 आएगा। इसी तरह अगर हम इसी 86 को माइनस करें 4 स्क्वायर से तो हमारे पास क्या आएगा 70 आएगा। अभी इस 70 को अगर हम कह दें कि इसको हम 5 स्क्वायर से यानी 25 से, तो 70 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 70 हो उसे हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 45 ही आएगा। तो हमारे पास इससे 45 आया जो कि हम इधर 45 लिखेंगे। अभी इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी 45, तो इधर हम लिख लेंगे 45 जो कि राइट आंसर है। तो ये हो गई एक बहुत ही सिंपल MCQs, क्योंकि एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है इसमें हम सब्ट्रैक्शन को फॉलो अप करेंगे। इस तरह हमने इसका रेंज 100 लिया, फिर हमने इसे 1 स्क्वायर किया सब्ट्रैक्ट, फिर 2 स्क्वायर को किया सब्ट्रैक्ट उसकी जो नंबर है उससे। इसी तरह हमने इसको सीरीज को हमने एक लिखा इसी तरह, फिर आखिर में हमारे पास 45 ही आया। शुक्रिया।